एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से लगातार पॉलिटिशियंस की बयानबाजी लगातार जारी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले रविंदर रैना का एक बयान आया था कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिशल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट लैंड को प्राइवेट लैंड बनाने में बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स की मदद की है, उनका हाथ है इसमें, उन ज़मीनों को स्टेट लैंड फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट लैंड बनाने में उनका बड़ा हाथ है। लेकिन आज उनका फिर से एक बड़ा बयान सामने आया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान किसी भी गरीब का घर तोड़ा गया हो या किसी भी गरीब के घर पर JCB चली हो तो आप वो मुझे बताइए, उस गरीब का नाम मुझे बताइए, एक लिस्ट बना के दीजिए मुझे, उनके ऊपर कार्रवाई मैं करवाऊंगा, उनको कंपनसेट भी मैं करूंगा, एंड जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल या कोई भी तहसीलदार हो पटवारी हो जो भी किसी गरीब के ऊपर कार्रवाई करेगा उनके ऊपर कार्रवाई मैं करूंगा। गुज़श्त कल भी हमने देखा कि इस प्रकार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस, अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने भी अपना प्रदर्शन दिल्ली में किया था, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र बाबा की मदद से आप जम्मू कश्मीर में अफ़गानिस्तान जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उसके बाद उन्हें प्रोटेस्ट के दौरान ही डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, उनको प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का मौका नहीं दिया गया। और दूसरी जानब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जहाँ पर वो कह रही थी कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली प्रोटेस्ट करने इसलिए गई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें प्रोटेस्ट करने का राइट भी नहीं दिया जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद ही महबूबा मुफ्ती प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन वहाँ भी उन्हें हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक और लीडर सुनील शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि किसी भी गरीब के घर पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, पीला पंजा नहीं चलना चाहिए, अगर चलाता है कोई ऑफिशियल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्राइव खास उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफियाज हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा पर ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी जानिब आपने कल से देखा होगा कि किस प्रकार एक मशहूर मीडिया सोशल मीडिया सेंसेशन फयाज स्कॉर्पियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिशें कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जहां पे कहा जा रहा है कि उनके घर पे भी JCB चल रही है, लेकिन श्रीनगर के BJP मीडिया इंचार्ज ने उसी वक्त तहसीलदार को फ़ोन करके कह दिया कि आप फयाज स्कॉर्पियो के घर पे JCB नहीं चला सकते क्योंकि उनका मकान बिल्कुल छोटा सा है, वो एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद तहसीलदार साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कि उनके घर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस प्रकार से खाली बयानबाजी हो रही है, क्या वाकई में गरीब लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी साइड से हमें ये भी पता है कि काफ़ी सारे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहाँ पर गरीब लोग पुकार रहे हैं, मदद की पुकार मांग रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा मत करो। आम जनता, गरीब जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसी दूसरी साइड पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि ये जो एविक्शन ड्राइव है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइव है, सक्सेसफुल ड्राइव है, क्योंकि इससे बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स एंड माफियाज डरे हुए हैं, अब वो गरीब लोगों को आगे करके उन्हें मोहरा बना रहे हैं। आपकी क्या राय है अभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।